है इसमें 32EX420 का पैनल आईडी देंगे तो ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर मांगेगा। आप नेट से इस मॉडल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, पेन ड्राइव अपडेट आता है, हर कंपनियां देती है, उस सपोर्ट से आप फाइल लेकर के इसको, और अगर नॉन एचडी बोर्ड आपके पास में है, फुल एचडी करना है तो आपको ये, फिर वो सॉफ्टवेयर मांगेगा, आप उसको पेन ड्राइव से अपडेट करिए।